हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया जॉब 0.2 के YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम पढ़ने वाले आपके आसाम रेपर और ग्रुप डी के लिए जो रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आता आपका तार्किक और वेन आरेख। आपको बता दूं, मैथ की क्लास आज और नहीं होगी। मैथ की क्लास आज नहीं हुई, वो मैथ की क्लास भी आपको कल से स्टार्ट फिर से हो जाएगी, क्योंकि मैथ में आपको बता दूं थोड़ी सी टेक्निकल कमी के कारण से आपकी मैथ की क्लास नहीं हो पा रही है, वरना आपकी मैथ की क्लास भी स्टार्ट हो जाती, कल से आपकी मैथ की क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपके तार्किक और वेन आरेख, ये तार्किक और वेन आरेख हम बात करने वाले हैं। तार्किक और वेन आरेख होता क्या है, टाइप कितने होते हैं? तो इसके टाइप होते हैं टोटल सात, सात टाइप होते हैं। वैसे मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखा है, उसमें मैंने केवल उदाहरण बताया, इसमें हम पूरी डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। टाइप वाइज टाइप हम पढ़ेंगे, तो चलो शुरुआत करें टाइप फर्स्ट की। उससे पहले मैं बता दूं आपको, यदि चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को आज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ग्रुप डी और आसाम रैपिड रैली भर्ती के लिए महत्वपूर्ण आपके लिए सिलेबस के साथ साथ पूरा आपको सिलेबस कराने वाला हूँ। साथ में आपको PDF फ्री प्रोवाइड कराने वाला हूँ, और जिस बच्चे को जिस किसी भी भर्ती का सिलेबस चाहिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है, सारी की सारी भर्तियों का सिलेबस आपको A to Z मिल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं टाइप की। जब पहली वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से संबंध, दूसरी वस्तु पहली वस्तु का संबंध दूसरे से, दूसरी वस्तु का संबंध तीसरी से होगा तो किस प्रकार से होगा? देखो, पहली वस्तु का संबंध, पहली वस्तु का संबंध, पहली वस्तु का संबंध देखो किस प्रकार से होगा, पूरा उदाहरण से बताऊंगा। पहली वस्तु का संबंध दूसरे से, दूसरे से, दूसरी वस्तु का संबंध, दूसरी वस्तु का संबंध, दूसरी वस्तु का संबंध, संबंध तीसरे से, तीसरे से, दूसरी वस्तु का संबंध तीसरे से हो, तो देखो टाइप नंबर एक क्या काम कर रहा है, यानी टाइप नंबर एक का काम होता है क्या होता है? देखो, पहली वस्तु का संबंध दूसरी से, दूसरी वस्तु का संबंध तीसरी से हो तो टाइप नंबर एक काम करता है। देखो टाइप नंबर एक क्या कहता है, उदाहरण में यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, उदाहरण में यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे भारत, भारत राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान सीकर, सीकर में यहाँ पर कर दो जोधपुर जो भी हो, ठीक है, इस प्रकार से हो तो आप क्या करोगे, इसमें आपको वेन आरेख किस प्रकार बनेगा? तो वेन आरेख आपको पता है भाई, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर राजस्थान है और राजस्थान के अंदर सीकर है, ठीक है, इस प्रकार से बन सकता है। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपका, जैसे एशिया, एशिया इंडिया, आपका एशिया भारत, और भारत के अंदर आपका दिल्ली, इस प्रकार से भी आ सकता है, ठीक है। यह आपका जैसे एशिया के अंदर भारत, भारत के अंदर दिल्ली है, तो इस प्रकार से भी ये एक वेन आरेख बनेगा, ठीक है ना। जैसे पहली वस्तु का संबंध दूसरी से और दूसरी वस्तु का संबंध तीसरी से हो तो आपका वेन आरेख बनेगा, सिंपल सा ये। और ये वेन आरेख क्या कहते हैं, ध्यान रखो, यह क्या कहते हैं, ये वेन आरेख है, ये वेन आरेख। जैसे आपको उदाहरण बताऊं और क्या होता है आपका, जैसे घंटा, मिनट और सेकंड, घंटे के अंदर मिनट होते हैं, मिनट के अंदर सेकंड होती है, तो ये आपका वेन आरेख किस प्रकार से बनेगा। तो टाइप नंबर हम दो की बात करते हैं, ठीक है ना, फिर टाइप नंबर दो की बात करते हैं। टाइप नंबर दो क्या कहता है, एक नंबर टाइप सबको समझ में आ गया, नया तो बता दो, नोट्स बना लो भाई, फायदे में रहोगे, क्योंकि नोट्स बनाए हुए इंसान कभी भी पढ़ सकता है, और जो अपना नोट्स याद होता है ना, वो किसी ना तो किसी बुक का पढ़ा हुआ याद रहता है, और ना किसी का पढ़ाया हुआ याद रहता है। टाइप नंबर दो क्या कहता है, टाइप नंबर दो कहता तीनों वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ना हो, आपस में कोई संबंध ना हो, कोई संबंध ना हो, संबंध ना हो, नहीं होता या नहीं हो, ठीक है ना, जो भी हो आप समझ गए कि कोई तीनों वस्तु में आपस में कोई भी संबंध ना हो, वो क्या कहलाता है आपका, टाइप नंबर दो आता है।
तो टाइप नंबर दो में देखो किस प्रकार से होता है आपका। जैसे मैं बता दूं आपको, इसके अंदर होता है, जैसे बता दूं आपको, जैसे आपको बता दूं जो होता है भाई, जैसे हमें मिला खरगोश, खरगोश आपका, खरगोश गाय बैल, खरगोश गाय बैल, यानी खरगोश गाय बैल, खरगोश गाय बैल, इनका कोई संबंध नहीं आपस में, कोई संबंध नहीं है खरगोश गाय बैल का। जैसे शेर चीता लोमड़ी, शेर चीता लोमड़ी भी इसमें आता है, ठीक है ना, शेर चीता लोमड़ी भी इसमें आता है भाई, शेर चीता लोमड़ी भी इसमें आता है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम शेर चीता, इसका वेन आर्य कैसे बनेगा, ध्यान रखो इसका वेन आर्य कैसे बनेगा, ये भी यहाँ पर बता रहा हूँ, इसका वेन आर्य बनेगा जैसे खरगोश गाय बैल शेर चीता लोमड़ी। यहाँ पर मैं और क्या लिखू भाई, जैसे पेन आपका, व्यक्ति और आपका, यहाँ पर मैं लिखता हूँ गाय, तो इनका भी कोई संबंध नहीं, तो इस प्रकार से इसका बनेगा भाई, ये वेन आर एक बनेगा, सिंपल सी बात है, तीनों अलग अलग वेन आर एक होंगी, तो ये वेन आर एक बनेगा इसके अंदर। टाइप नंबर दो के अंदर दो आपके तीनों वेन आर एक अलग अलग होंगे। अब टाइप नंबर हम बात करते हैं तीन की, देखो तीन टाइप नंबर क्या कहता है, उससे पहले एक बात बोलूंगा यार, आप मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते, वीडियो को शेयर नहीं कर सकते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है ना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन को ऑन जरूर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। देखो टाइप नंबर तीन की हम बात करते हैं, टाइप नंबर तीन की हम बात करते हैं, टाइप नंबर तीन क्या कहते हैं, जब पहली वस्तु का संबंध दूसरी से हो और तीसरी वस्तु का संबंध उन दोनों से नहीं हो, यानी कि पहली वस्तु का संबंध क्या बोलता है, पहली वस्तु का संबंध, पहली वस्तु का संबंध दूसरी से हो, दूसरी से हो और तीसरी वस्तु का संबंध, तीसरी वस्तु का संबंध उन दोनों से ना हो, यानी कि उन दोनों से ना हो, उन दोनों से ना हो, ठीक है। ये भाई ये टाइप नंबर क्या कहते हैं, पहली वस्तु का संबंध दूसरी से हो और आपका दूसरी वस्तु का संबंध उन दोनों से नहीं हो, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर मैं उदाहरण लेता हूँ सिंपल सा, गाजर सब्जी, गाजर सब्जी और दूध, ठीक है। अब देखो गाजर और सब्जी, गाजर में मतलब आपका ये सब्जी और इस सब्जी के अंदर आगे गाजर, ठीक है। अब ये दूध, दूध अलग है, तो इस प्रकार से ऐसे वेन आर एक बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, यानी कि इसका वेन आर एक बनेगा, जैसे गाजर सब्जी दूध, तो गाजर यानी गाजर आ गया सब्जी के अंदर और सब्जी आपका ये दूध हो गया, दूध अलग हो गया। इसके अंदर एक और लेते, देखो खिड़की कमरा गाय, देखो खिड़की कमरा गाय, जैसे खिड़की, खिड़की खिड़की कमरा और गाय, ठीक है। अब देखो खिड़की आपकी किसके अंदर होती है, कमरे के अंदर खिड़की होती है, गाय इसका अलग होता है, ठीक है। यह आपका हो गया टाइप नंबर तीन, क्या होता है, यह आपका हो गया टाइप नंबर तीन। अब देखो बात करते हैं टाइप नंबर चार क्या कहता है, टाइप नंबर चार क्या कहता है, ये भी देखो ध्यान से देख लेते हैं, टाइप नंबर चार क्या कहता है, देखो भाई जो फटा हुआ है ना वो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, आप सुविधाओं पे मत जाओ, सुविधाएं हैं जो आपके सामने हैं और आप चाहोगे तो सुविधाएं अच्छी भी हो सकती है, बस आप भाइयों का प्यार और सपोर्ट चाहिए, सब कुछ हो सकता है, बस आप भाइयों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा। तो देखो बात आती है टाइप नंबर चार की, बात आती है टाइप नंबर चार की, चार क्या कहता है, जब तीनों वस्तुओं का आपस में आंशिक रूप से संबंध हो, तीनों वस्तु का आपस में आंशिक रूप से संबंध हो, ठीक है ना, तीनों वस्तुओं का आपस में, तीनों वस्तुओं का आपस में आंशिक रूप से संबंध हो,
आंशिक रूप में संबंध हो, ठीक है। तीनों वस्तुओं का आपस में आंशिक रूप में संबंध हो। देखो बात करते हैं, तीनों वस्तुओं का आपस में आंशिक रूप में संबंध हो। उदाहरण लेता हूं, दार्शनिक देख लेखक शिक्षक, यानी दार्शनिक लेखक शिक्षक जो कर रहे हैं ना, बाबू सोना मोना, इसमें कुछ नहीं रखा, पढ़ लो फायदे में जाओगे, बाबू भी आएगा सोना भी आएगा और मोना भी होगा, कुछ नहीं रखा फालतू की आपकी, ये जो है ना, ये सोच रहे हो ना आप कि हम ऐसे कर देंगे, ऐसे कुछ नहीं कर सकते, केवल ये पढ़ाई सब कुछ करा सकती है। मोटिवेशन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के वह है, वीडियो अपलोड हुआ, बस उसको पब्लिक करना है, उसको पब्लिक करने वो वीडियो देख लेना आप, केवल एक बार वो वीडियो देख लेना आप, सोचोगे रियल में यार कुछ तो हकीकत है, ठीक है ना। देखो बात करते हैं, आपको इसमें तीनों रूप से आंशिक रूप से संबंध हो, जैसे दार्शनिक लेखक और शिक्षक, दार्शनिक लेखक शिक्षक, दार्शनिक लेखक शिक्षक, दार्शनिक लेखक शिक्षक, ठीक है। इस प्रकार से इसका व्यंजन आरेख बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, दार्शनिक लेखक शिक्षक, इस प्रकार से इसका व्यंजन आरेख बनेगा। तीनों का आंशिक रूप से कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, जैसे लेखक लिखता है, शिक्षक पढ़ाता है, दार्शनिक दर्शन करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको मैं देखता है जो भी आपका इसका आंशिक रूप से संबंध, जैसे लेखक कोई चीज लिखता है, शिक्षक उसको पढ़ाता है, और देखता आपका जो शिक्षक पढ़ाता है उसको देखता भी, तो ये दार्शनिक ही है, तो ये हो गया आपस में संबंध। अब बात करते हैं टाइप नंबर 5 की। देखो टाइप नंबर 5 क्या कहता है, टाइप नंबर 5 क्या बोलता है, ये भी हम पढ़ लेते हैं इसमें। देखो टाइप नंबर 5 क्या कहता है, बोलता है टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 2 हो रहा है, पूरे पूरे करेंगे आज, क्योंकि ये क्लास बहुत छोटी है यार, आपकी 30 मिनट की क्लास ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना। देखो बात करें, टाइप नंबर 5 कहता है, पहली वस्तु का संबंध दूसरी और तीसरी से हो, यानी पहली वस्तु का संबंध दूसरी और तीसरी से हो, पहली वस्तु का संबंध, पहली वस्तु का संबंध, का संबंध आपका दूसरी, दूसरी वह तीसरी से हो, तीसरी से हो, पहली वस्तु का संबंध दूसरी और तीसरी से हो, तो किस प्रकार का आपका व्यंजन आरेख बनेगा। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर, महिला आपका डॉक्टर और शिक्षक, महिला डॉक्टर शिक्षक, ठीक है ना, महिला डॉक्टर शिक्षक। अब बात करते हैं, देखो पहली वस्तु का संबंध दूसरी और तीसरी से, पहली वस्तु महिला डॉक्टर और शिक्षक, यानी महिला डॉक्टर भी हो सकती है और शिक्षक भी हो सकती है, हुआ कि नहीं हुआ संबंध। तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो महिला बनाएंगे, फिर इधर हम बनाएंगे शिक्षक, और इधर बना देंगे डॉक्टर, जो आपकी इच्छा है इधर से इधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका दार्शनिक रूप से संबंध हुआ कि नहीं हुआ, कि जैसे पहली महिला डॉक्टर भी हो सकती है और शिक्षक भी हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती क्या, महिला हो सकती है भी। तो इस प्रकार से आप यदि कोई दार्शनिक रूप से संबंध हो, तो इस प्रकार का व्यंजन आरेख बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का व्यंजन आरेख बनेगा। टाइप नंबर पढ़ते हैं 6, 6 टाइप नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, वीडियो लाइक जरूर कर देना, ठीक है ना, लाइक तो जरूर ही जरूर कर देना आप, ठीक है। फेसबुक पेज पर हम बहुत ज्यादा आप वीडियो अपलोड नहीं करते, फिर भी आपको फेसबुक पेज पर ये वीडियो सारी क्लासेस सब कुछ फेसबुक पेज पर भी अपलोड करने वाले हैं, तो आप फेसबुक पर भी ये क्लासेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टाइप नंबर 6 क्या कहता है, यहाँ पर करता हूँ मैं 6 टाइप नंबर, जब पहली वस्तु का दूसरी से आंशिक व संबंध हो और तीसरी वस्तु का उन दोनों से अलग हो, जैसे पहली वस्तु का संबंध, पहली वस्तु का संबंध दूसरी से आंशिक
दूसरी से आंशिक वह तीसरी वस्तु का तीसरी वस्तु से संबंध ना हो। ठीक है, ये क्या कहता है? पहली वस्तु का संबंध दूसरी से आंशिक और तीसरी से आपका संबंध ना हो, जैसे पुरुष महिला और कुत्ता, जैसे पुरुष महिला और कुत्ता। तो आपको पता, पुरुष और महिला ये दोनों इंसान है बल्कि एक जानवर है, इसका तो अलग ही संबंध हो गया। तो इसका किस प्रकार से बनेगा? इसका इस प्रकार से बनेगा, इसका अलग बनेगा भाई। जैसे हम बात करते हैं महिला शिक्षक और आपका ये बोल देगा, मैं यहाँ पर जिला, महिला शिक्षक जिला, या जो भी बोल दो आपको, जैसे लड़का लड़की और गधा, अलग हुआ कि नहीं हुआ? इसमें दोनों वस्तु का आंशिक रूप से संबंध हो रहा है, इसमें आपका अलग ही हो रहा है। तो ये बनेगा आपका वेनारिक इस प्रकार से, ठीक है ना? इस प्रकार से आपका वेनारिक बनेगा। अब लास्ट देखो क्या कहता है, लास्ट टाइप में हमारा साथ क्या कहता है, ध्यान से देखना इस वीडियो को। बिल्कुल यार छोटी सी क्लास है, 20 मिनट की आप क्लास नहीं ले सकते तो फिर मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपका, आप अपने माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर सकते, आप उनको वर्दी में नहीं दिखा सकते, तो यार क्या कर सकते हो आप? प्लीज अभी बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लो, फायदे में रहोगे, वरना बाद में आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है दुनिया में। जब दो वस्तु तीसरी वस्तु से अंतर्गत आती है, दो वस्तु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती है, टाइप नंबर सात क्या कहते हैं, दो वस्तु आपका दो वस्तु तीसरी के अंतर्गत आती है, तीसरी वस्तु वस्तु के अंतर्गत आती हो, अंतर्गत आती हो तो दो वस्तु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो, जैसे चाय कॉफी पेय पदार्थ, चाय कॉफी चाय कॉफी पेय पदार्थ। तो भाई घर पर वीडियो बना रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत आवाज आ जाती है, इसके आप टेंशन मत करो, ठीक है ना? चाय कॉफी पेय पदार्थ ये आपका होता है। तो जैसे आपको समय घंटा मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ, समय घंटा और मिनट, ठीक है? अब देखो चाय कॉफी पेय पदार्थ के अंतर्गत आते हैं चाय और कॉफी, घंटा और मिनट आते हैं समय के अंदर, तो घंटा मिनट ये हो गए और आपका ये हो गया, इस प्रकार के वेनारिक बनेगा ये। तो ये सात टाइप थे आपके, बिल्कुल सिंपल से टाइप थे, आसान टाइप पर रेली भर्ती बता रहा हूँ आपको। दो नंबर ग्रुप डी में आपका 1 से 2 नंबर के इक्वेशन जरूर हो जाता है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये टाइप क्लास कैसी लगी? मात्र 20 मिनट की क्लास में आपको एक रीजनिंग का पार्ट पूरा हो गया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। रीजनिंग की क्लास ऐसी चलती रहेगी और मैथ की क्लास भी आपके लिए जल्द उपलब्ध हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरे भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना।